आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। पिछली बार हमने पढ़ा था कक्षा षष्ठी में अनुपात और समानुपात के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे समानुपात। समानुपात में चार राशियां लिखी हुई होती है, चार राशियां समानुपात में लिखी हुई होती है, यानी समानुपात का जो चिन्ह है, यदि दो अनुपात एक समान है, दो अनुपात अगर एक समान है तो वे समानुपात में है। इन्हें समान करने के लिए यह जो है चिन्ह, समानुपात का चिन्ह जो है दर्शाया जाता है, या फिर ऐसा समता का चिन्ह जो है बराबर इक्वल टू चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए यह तीन राशियां लिखी हुई है, 3, 10, 15 और 50। तो इसमें से जैसे चार पद लिखे गए हैं, तो 3, 10, 15 और 50, इसमें तीन ये बाह्य पद भी कहते हैं, इसको हम चरम पद कहते हैं। इधर से बाह्य पद जो है 50 है और यह 3 है, इनको हम चरम पद कहते हैं, और बीच का मध्य भाग जो है इसको हम मध्य पद कहते हैं। यानी यह 3 और 50 चरम पद है और 10 और 15 जो है यह मध्य पद है। इसी प्रकार से जैसे देखिए 3:10 समानुपात का चिन्ह दर्शाते हुए 15:50, यानी 3:10 और इसके समान समानुपात 15:50 होने चाहिए, तो यह राशि जो है समानुपात में है। जैसे देखिए यह 3 और 10, 3 जो है विषम संख्या है, 10 सम है, तो इसलिए यह कट नहीं सकती है और अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो 3:10 रहेगा। लेकिन समानुपात में यहां देखिए 15 में 5 का भाग 3 बार गया और 50 में 5 का भाग 10 बार गया, तो ये 3:10 और इसके ही समान समानुपात 3:10 हो गया, इसलिए ये दोनों अनुपात जो है समान आ रहे हैं, इसलिए यह राशि समानुपात में है। यदि दो अनुपात समान नहीं होते, इस प्रकार से यहां और इस अनुपात में अंतर आ जाता तो यह समानुपात में नहीं होती। यदि दो अनुपात समान नहीं होते हैं तो वे राशियां समानुपात में नहीं होती है। जैसे देखिए इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं क्या निम्न राशियां समानुपात में है, तो पहला प्रश्न है 15, 45, 40 और 120। तो यहां हम जैसे हल में लिखेंगे यह जो है 15:45, यहां समानुपात का चिन्ह दर्शाएंगे, समानुपात 40:120, इसको हम समान अनुपात आता है तो अनुपात में रखने पर भिन्न में रखेंगे तो यह हो जाएगा 15/45, और यह जो संख्या हो जाएगी समानुपात में यह 40/120, 40/120। इस संख्या को हम जैसे काटेंगे तो 15 का भाग दोनों संख्याओं में अंश और हर में जा रहा, तो 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, 15 तीया 45, 1/3 आ गया। इसी प्रकार से जैसे देखिए 0 से यह 0 गया, 4 एकम 4 और 4 तीया 12, तो यह भी जो है संख्या 1/3 आ गई, दोनों अनुपात समान आ गए, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये सत्य है और ये समानुपात में है। दूसरा इसका जो तरीका है, जैसे ये भी कह सकते हैं बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। जैसे देखिए 15 ये बाह्य पद जो है, ये और ये 15 और 120 बाह्य पद है और ये दोनों जो है मध्य पद है, तो बाह्य पदों का गुणनफल 120 × 15 और मध्य पदों का गुणनफल जो है 45 × 40। इस प्रकार से 15 का 0 से गुणा किया 0, 15 × 30 की 0, 8 की 3, 15 का 15, 15 और 3 18। इसी प्रकार से जैसे देखिए 40 × 5 = 200, 200 का 0, 8 की 20, 40 × 4 = 160, 160 और 20 = 180,
तो ये 180, 1800 बटे 1800 दोनों समान, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाएं पदों का गुणनफल समान है, तो यह राशि जो है समानुपात में है। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है 33, 121, 9 और 96, इसको समानुपात में रखने पर देखिए 33 अनुपात 121 समानुपात 9 अनुपात 96, इसको हम काटेंगे तो ये समान आता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। जैसे देखिए 33 बटे 121 और यहां जो लिखेंगे 9 बटे 96, यह समानुपात में है या नहीं है तो इसका पता करेंगे, काट करके देखेंगे। ऐसी अंश और हर में ऐसी संख्याओं का भाग देंगे जो दोनों में समान रूप से जाता हो भाग। तो जैसे देखिए इसमें 3 का भाग जा रहा है 11 का जा रहा है, तो जैसे देखिए 11 3 33, 11 एक 11 बचा 1 और 11 एक 11 3 बटे 11 आ गया। इसी प्रकार से इसमें भी देखेंगे तो 9 का जो 3 का भाग जाएगा 3 3 9 और 3 3 9 और 3 2 6 3 बटा 32, 3 बटा 11 समानुपात 3 बटे 32 नहीं बैठ रहा, समान पद नहीं है, इसलिए यह समानुपात में नहीं है, समानुपात में नहीं है। ऐसी राशियां होती है वो समानुपात में नहीं है। एक और प्रश्न करेंगे 21 अनुपात 6 समानुपात 35 अनुपात 10, इसको भी हम देखें तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि समानुपात में पता करने के लिए क्या ये राशियां है या नहीं है, तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। जैसे देखिए बाह्य पद 21 और 10 है, तो बाह्य पदों का समानुपात में दर्शाने के लिए तो हम कहेंगे बाह्य पदों का गुणा या गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, ये दोनों समान रूप से गुणनफल आना चाहिए। जैसे देखिए बाह्य पद जो है 21 गुणा 10 बराबर 6 गुणा 35, ये मध्य पद 6 और 35, 21 को 10 से गुणा किया तो ये 210 हो गया, और बराबर 6 गुणा 35 बराबर 6 पंजे में 30 और हाथ का 3, 6 पंजे में 30, 30 का 0 हाथ के 3, 36 18, 18 और 3 21, ये भी जो है 6 पंजे में 30 का 0 36 18, 18 और 3 21, यानी 21 दाएं 210, 35 गुणा 6 भी 210, इसलिए ये दोनों राशियां का मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल समान है, इसलिए यह समानुपात में है। इस प्रकार से हम समानुपात में है राशियां या नहीं है तो इसका हम जो है इस प्रकार से पता कर सकते हैं।